नमस्कार, लाइव शोर में आपका स्वागत है। मैं रिन सम्राट। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। सारवा पद के लिए 140 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही धनवार और डोमचांच में शहरी जलापूर्ति को मंजूरी मिली है। बैठक में कक्षा 9 से ऊपर के बच्चों के कॉपी की राशि में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री विशेष स्कॉलरशिप की राशि में भी बदलाव किए गए हैं। और ये भी बता दें कि 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 280 नव उत्क्रमित प्लस टू विद्यालयों में योजना मद में सृजित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 6 भी स्कूली शिक्षा विभाग से, झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति। जो पूर्व निर्धारित राशि थी 80 पृष्ठों की, वो 20 रुपये था और वर्तमान में 120 पृष्ठों की कॉपी हेतु कुल 30 रुपये प्रति कॉपी निर्धारित किया गया है। इसमें कुल जो संख्या है वो है 9,26,704 छात्र छात्राएं। प्रस्ताव संख्या 7 स्कूली शिक्षा विभाग से, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 1,353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में सृजित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु संशोधित दर की स्वीकृति। जो दर कल्याण विभाग द्वारा हाल में जो परिवर्तित किया गया है, उसे सामान्य छात्र छात्राओं के लिए एडॉप्ट किया जा रहा है। इसके तहत 1 से 5 के कक्षा के छात्रों को 1500 रुपये प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा और 6 से 8 के छात्र छात्राओं को 2500 रुपये प्रति वर्ष की दर से। ये सामान्य के लिए है, और क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वह कल्याण विभाग अंतर्गत वे आच्छादित हैं। और इसमें कुल संख्या बच्चों की हो जा रही है 1,32,881।